किस तरीके से हम यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं रिएक्ट में, उसके बारे में सीखेंगे। और यहाँ पर हम लोग जेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे और रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी, ये दो पैकेजेस यूज़ करके हम लोग देखें किस तरीके से हम लोग यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन कंपोनेंट्स को टेस्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देख के यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है और उसका फायदा क्या है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिएट रिएक्ट ऐप से हमने जो प्रोजेक्ट पहले बनाया था इस सीरीज में, उसी को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर इस सोर्स फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, उसका उस फाइल का मैं नाम यहाँ पर सम डॉट जे एस दे देते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर सम डॉट जे एस एक सिंपल, उसमें एक फंक्शन होगा जिसके में हम लोग टेस्ट केसेस लिख के देखेंगे कि टेस्ट केसेस किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक सिंपल सा एक फंक्शन होगा और जिसका नाम है सम, और ए और बी पैरामीटर में एक्सेप्ट करेगा और सिंपली रिटर्न करेगा ए प्लस बी, दैट्स इट। सो ये लॉजिक है जैसे हम यहाँ पर टेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं फिलहाल इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सम कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर अभी हम लोग ने, क्योंकि ये प्रोजेक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनाया है, तो हमको यहाँ पर जस्ट यूज करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिकॉज पैकेजेशन में आप आओगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर टेस्ट स्क्रिप्ट, यहाँ पर रिएक्ट स्क्रिप्ट टेस्ट लिखा हुआ है, जिसने वो सारा लॉजिक जो जस्ट के लिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए जरूरत होता है वो पूरा इसके अंदर इनबिल्ट है। तो किसी भी तरह की चेंजेस की हम लोगों को जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा। बस सिंपली हमें क्या करना है कि एक फाइल बनाना है और उस फाइल का एक्सटेंशन जो है आप इस तरीके से दे सकते हैं, टेस्ट डॉट जे एस या स्पेक डॉट जे एस। ओके, सो क्योंकि ये सम फाइल को मैं यहाँ पर, सम फंक्शन जो है इस सम डॉट जे एस के अंदर है, तो मैं इसका नाम सम डॉट टेस्ट डॉट जे एस इस तरीके से दे रहता हूँ। ओके, सो आप यहाँ पर नाम टेस्ट डॉट जे एस या सम डॉट या स्पेक डॉट जे एस, इस तरीके से दो नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। अभी इस यहाँ पर इस पर्टिकुलर फाइल में मैं जो सम फंक्शन हमने जो एक्सपोर्ट किया हुआ है, मैं इसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अभी हम लोगों को ईच इंडिविजुअल यहाँ पर टेस्ट केसेस लिख के देखने पड़ेंगे कि हमारा जो सम फंक्शन है वो काम जो उसे करना चाहिए वो कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। सो हम लोग अलग अलग रॉन्ग पैरामीटर्स भी पास करके देखेंगे और सही पैरामीटर पास करके भी देखेंगे, और दोनों ही केस में पता चलना चाहिए कि सम हमारे जितने भी राइट वैल्यू से राइट रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो यहाँ पर टेस्ट लिखने के लिए आप यहाँ पर टेस्ट करके इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आईटी यूज कर सकते हैं, जो आप प्रेफर करें। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर इस तरीके से उसको कॉल करते हैं। बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसमें पहले पैरामीटर में आपको डिस्क्राइब करना है कि कौन से सिनेरियो को आपको यहाँ पर टेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लेट सपोज डाल लेता हूँ व्हेन ए एंड बी इज नंबर। तो यहाँ पर मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ कि सम को अगर हम राइट पैरामीटर पास करें, ओके, उसे ए और बी दोनों पास करें और दोनों नंबर रहे, तब वो क्या वर्क करना चाहिए। ओके, और यहाँ पर सेकेंड पैरामीटर में हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर देते हैं और यहाँ पर हम लोग टेस्ट करेंगे कि सम फंक्शन प्रॉपरली चल रहा है नहीं चल रहा है। सबसे पहले मैं उस यहाँ पर एक रिजल्ट करके यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें मैं सम फंक्शन को यहाँ पर 1,2 इस तरीके से पास कर दूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर लेट सपोज मुझे देखना है कि रिजल्ट क्या होना चाहिए। अगर मैंने 1 और 2 पास किया है तो रिजल्ट ऑफकोर्स 3 होना चाहिए, अगर सम फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है तो, ठीक है। तो हम लोग टेस्ट कंपेरिजन किस तरीके से करते हैं, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हम लोग यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, मे बी रिजल्ट इक्वल टू 3, राइट। इसी अगर ये रिजल्ट इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो सम फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। पर हम लोग इस तरीके से यहाँ पर टेस्ट नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए हमें जस्ट के एक्सपेक्ट एक फंक्शन है जिसका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, जो जस्ट से हमें मिलता है। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट इस तरीके से कॉल करूंगा, ओके, और यहाँ पर मैं वो रिजल्ट पास करूंगा, ओके। और मुझे किस में चेक करना है, आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर रिजल्ट इक्वल इक्वल टू 3, तो वही सेम चीज मैं यहाँ पर करूंगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिजल्ट शुड बी 2 2 b 3, ओके। सो मैं इस तरीके से यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो रिजल्ट जो वेरिएबल है ये 3 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग, ये जो एक्सपेक्ट है ये भी जस्ट से आता है, 2b भी हम लोग को जस्ट से मिलता है। इस तरीके से बहुत सारे मेथड होते हैं जो यूज कर सकते हैं, 2b 2 इक्वल, इस तरीके से बहुत सारे मेथड होते हैं जो हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे। पर इसमें हम लोगों को सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि 2b जानने की जरूरत है, जहाँ पर एग्जैक्टली वैल्यू क्या है हम लोग उसको कंपेयर यहाँ पर कर सकते हैं। अभी रन करने के लिए मुझे यहाँ पर सिंपली वो स्क्रिप्ट रन करना होगा जो मैंने पहले पैकेजेशन में आपको बताया है। तो यहाँ पर सिर्फ npm रन टेस्ट में रन करूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि रिया स्क्रिप्ट टेस्ट को रन करेगा और हमारा फाइल ऑटोमेटिकली जस्ट डिटेक्ट कर लेगा कि ये टेस्ट फाइल है और उसको वहाँ पर सारे टेस्ट यहाँ रन कर देगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि वो यहाँ पर टेस्ट पास हो गया जिसको यहाँ पर वो बता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा सोच सकते हो कि सम फंक्शन को लेट सपोज अगर हम लोग नंबर की जगह स्ट्रिंग पास करें तो क्या होना चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पर अभी सिनेरियो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले it, यहाँ पर मैं इस तरीके से फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसमें मैं वो सिनेरियो मेंशन करूँगा। सिनेरियो ये है कि व्हेन ए एंड बी इज स्ट्रिंग, तो यहाँ पर नंबर की जगह अगर हम स्ट्रिंग पास करें तो इस सिनेरियो में सम फंक्शन क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कॉल पे फंक्शन इस तरीके से यहाँ दे देता हूँ,
और यहाँ पर अब मैं वो जो रिजल्ट पाया था मैं उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, और जो रिजल्ट है वो यहाँ पर मैं स्टोर कर लेता हूँ, रिजल्ट इक्वल टू सम, और मैं उसको यहाँ पर स्ट्रिंग वन पास करता हूँ और यहाँ पर मैं टू स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। ओके, अब ये जो रिजल्ट है मुझे कंपेयर करके देखना है कि ये प्रॉपरली आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये सेम वैसे ही हम लोग करेंगे जैसे पहले टेस्ट केस में कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं रिजल्ट पास करता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं टू बी, यहाँ पर मैं थ्री कर दूंगा, क्योंकि देखो इवन दो यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग पास कर रहे हैं पर हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि इसका रिजल्ट हमेशा नंबर के तौर पर ही रहना चाहिए, सम फंक्शन ने उसको कॉन्कैट नहीं करना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि इसको 12 नहीं भेजना चाहिए और रिटर्न में, हम लोग एक्सपेक्ट करें कि 3 हो, एज ए नंबर ही वो ट्रीट करना चाहिए इवन दो हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्ट केस फेल हुआ है बिकॉज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 3 पर हमें मिला 12। ठीक है, सो बेसिकली ये हुआ है कि जो रिजल्ट है ये 12 आया है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 होना चाहिए जो कि यहाँ पर टेस्ट केस बता रहा है, तो इसलिए बता रहा है कि ये टेस्ट हमारा फेल हुआ है। So, अभी हम लोगों को इस तरीके से पता चला कि हमारा ये सम फंक्शन है वो काम वो नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए, राइट? अगर नंबर पास करेंगे तो प्रॉपरली चलता है पर अगर हम लोग उसे स्ट्रिंग पास करेंगे तो यहाँ पर वो ब्रेक हो जा रहा है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए ये सम डॉट जेएस में आके मैं इसको यहाँ पर पास इंट, यहाँ पर मैं रन करता हूँ पास इंट, और यहाँ पर मैं 10 पास कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर पास इंट यहाँ पर करता हूँ और यहाँ पर मैं 10 पास करता हूँ इस तरीके से। और मैंने सेव कर दिया, आप ये देख सकते हैं कि टेस्ट फिर से रन होगा बिकॉज जैसे ही हम चेंजेस करेंगे टेस्ट यहाँ पर रन हो रहा है, वॉच मोड में है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी हमारा टेस्ट यहाँ पर वो पास हो चुका, जो हम लोग ए और बी अगर स्ट्रिंग पास करेंगे तो भी वो एडिशन करके रिटर्न कर रहा है, कॉन्कैट नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी वो 3 रिटर्न कर रहा है, 12 नहीं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सो इस तरीके से अब इनिशियली नहीं पर जैसे आप आगे कॉम्प्लेक्स कोड लिखोगे तो टेस्ट करने से काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है कि आपका टेस्ट, आपका जो कोड जो हमने लिखा है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्पेशली जब आप इसको चेंज करके रिफैक्टरिंग करोगे नया फीचर। ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे फीचर ऑलरेडी ऐप में रहते हैं और अगर आप लेट सपोज एक नया फीचर ऐड करोगे तो उससे पुराने वाले फीचर में बग आने शुरू हो जाते हैं या वो प्रॉपरली नहीं चलता है, और वो उसका कारण ये है कि इस तरह के टेस्ट केसेस नहीं है। अगर हम लोग नया फीचर ऐड करते हैं और अगर पुराने टेस्ट केसेस ब्रेक होंगे तो हम लोगों को तुरंत पता चल जाएगा कि जो हम लोग कोड लिख रहे हैं वो प्रॉपर नहीं। तो इस तरीके से टेस्ट लिखने से आपके कोड को आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है और इससे रिफैक्टरिंग भी आगे चल के बहुत ही आसान होता है, और ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है कि आप इसको फॉलो करना चाहिए। और जस्ट इस टेस्ट को लिखना आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही आसान कर देता है। ओके, सो यहाँ पर आपने देखा कि एक्सपेक्ट टू बी जो ये सारी चीज़ें जस्ट से मिल रही हैं, पर हम लोग यहाँ पर रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी क्यों यूज़ करें, और वो इसलिए बिकॉज एक कंपोनेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है कंपैरेटिवली इस सम फंक्शन से। आपने देख सकते हैं ये सिंपल सा एक फंक्शन था, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ जस्ट से हमारा काम हो गया। सो इस तरीके से हम लोगों को जस्ट और रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी एक दूसरे के साथ काम करके ही हम लोग रिएक्ट को कंपोनेंट्स को यहाँ पर टेस्ट कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हम लोग जस्ट और रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी यूज करके कंपोनेंट्स के लिए टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाय।